मनोज जी आपको बताऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़ रहे हैं। गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। अब मैंने आपको सदैव कहा, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह दो दिन से आपको अटैक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हरेक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूँ, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, अच्छा खासा बहुमत दिख रहा है इस वक्त, 228 के रुझान आ चुके हैं, 230 में से 138 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस सिर्फ 89 पर आगे। मध्य प्रदेश में ये पलटना कांग्रेस के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। मनोज यादव जी। जी किशोर जी, निश्चित रूप से सब जो पॉलिटिकल पंडित यहाँ बैठकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे और किस तरह से एक नैरेटिव, और बड़ी खबर और दे दूं आपको मनोज जी, छत्तीसगढ़ के 90 के 90 रुझान जो अभी तक आए हैं, उसमें 48 में बीजेपी आ गए, 40 पर कांग्रेस, सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की दिख रही है। जी मुझे जी किशोर जी, मुझे ध्यान में है, मैं 1.5 महीने तक के वहीं छत्तीसगढ़ में था, वहां पर अप्रत्याशित नतीजे सबके सामने आने वाले हैं। जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार में भूपेश सरकार आकंठ डूबी हुई थी, किस तरह से पीएससी का घोटाला किया गया, युवाओं को ठगने का काम किया गया, किस तरह से आदिवासियों को भी ठगने का काम किया गया, आदिवासियों ने नगर प्रदर्शन तक किया वहां पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहां के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे सेमीफाइनल चल रहा है, और सेमीफाइनल के अलावा बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर है ही नहीं। तो साफ साफ दिखा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पंडित यहाँ बंद कमरों में बैठकर के बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है। और राजस्थान में भी आप देखिए और मध्य प्रदेश में देखिए, तो ये जो नतीजे आ रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि सेवा सुशासन पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अभी तो आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है, ये रुझान पलटते बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। नहीं सर, बाद में भी ठीक ही रहेगा। और मैं बता रहा हूँ, भूपेश बघेल खुद पीछे चल रहे हैं, हमारे विजय बघेल जी जो हमारी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे वो आगे चल रहे हैं, तो साफ साफ दिखाता है भूपेश बघेल को वहां के खुद उसके क्षेत्र के लोग नकार चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता कहती है अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा, और राजस्थान में नहीं सहेगा, राजस्थान का एक नारा प्रचलन में आया कि किस तरह पेपर लीक के मामले सबके सामने आए, किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, और उत्पीड़न होने के बावजूद मर्दों का प्रदेश,